खबर है जनपद जौनपुर से। जौनपुर जिले की सागंज की एक निजी महिला चिकित्सक स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मारिया फारूकी का कहना है कि ठंडी के दिनों में महिलाओं में मासिक के समय दर्द बढ़ जाना एक साधारण सी बात है। उन्होंने बताया कि शरीर में पानी की कमी, विटामिन डी की कमी, पाचन की समस्या, योगा और व्यायाम न करना आदि कारण से महिलाओं में ऐसी समस्याएं मौसम परिवर्तन के कारण होती हैं। उनका कहना है कि गर्मियों की अपेक्षा जाड़े में कम ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती और हमारे शरीर में हार्मोन्स प्रभावित होता है। शरीर में पानी की कमी के कारण भी महिलाओं में माहवारी में दर्द बढ़ जाने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जाड़े में ऐसा होना स्वाभाविक है। पाचन की समस्या उत्पन्न होने पर भी ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती। यदि ऐसी कोई दिक्कत होती है तो हमें चिकित्सकों से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। इंडिया 24x7 लाइव टीवी से पठान अली की रिपोर्ट। जी मैडम, कृपया अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर मारिया फारूकी शाहगंज में निजी चिकित्सक हूँ। जी। तो महिलाओं में जाड़े के दिनों में जो मासिक में दर्द बढ़ जाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। विंटर्स में मौसम के चेंजेस के वजह से ये दर्द होना थोड़ा स्वाभाविक है जी। क्योंकि अब इसके रीजंस बहुत ही सिंपल होते हैं, क्योंकि हमारा सन का एक्सपोजर जो है अब कम हो गया है। पहले गर्मियों में जैसे 15-16 घंटे हमको सनलाइट मिल जाती थी नॉर्मली चलते फिरते भी, लेकिन अब सन का एक्सपोजर बहुत ही कम हो गया है। तो हमें जो है वो हमारे हार्मोन्स को भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि हम सन को में बैठ नहीं पा रहे हैं ज्यादा। सेकेंडली, हम पानी कम पी रहे हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से भी थोड़ा ये हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ा रहा है। और लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये एक बहुत ही नॉर्मल सिंपल मतलब प्रोसेस है, ये विंटर्स में होता है जी। और क्या क्या कारण हो सकते हैं? कारण आपको मैंने बताया कि जैसे सन का एक्सपोजर कम होना, डिहाइड्रेशन होना, देन हमारी वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाना, तो ऑल दीज रीजंस हैं। मगर ये अगर आपके लाइफस्टाइल को प्रभावित कर रहा है, या आपकी लाइफस्टाइल को दिक्कत और या आपकी दिनचर्या में दिक्कत आ रही है, आपका पेन ज्यादा बढ़ रहा है, तो फिर आप अपने चिकित्सक से सलाह लें। वैसे ये बिल्कुल स्वाभाविक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है। इस समस्या से बचने के लिए क्या करना चाहिए महिलाओं को? देखिए, इस समस्या से बचने के लिए ये है कि हमें थोड़े योगा करने चाहिए, एक्सरसाइजेस। देन सेकंड, हमको पानी का सेवन हमको 8 ग्लास पर डे जरूर पीना है। 8 ग्लास? हाँ, 8 ग्लास हमको पूरे दिन में पीना है। थर्डली, हम हल्दी दूध ले, देन हम एक्सरसाइज करें छत पे। अगर हमारा बाहर का नहीं हम मूव कर पा रहे तो हम छत पे अपने, लेकिन हम चहलकदमी जरूर करें, थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे ताकि ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज करे बॉडी का। जी, जी, रक्त प्रवाह बढ़ जाए। देन हमारा जो है एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो महिलाएं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, विंटर्स में लोअर जो पहनते हैं वो जो है विलन ना पहने, कॉटन का पहने, उसके ऊपर आप विलन पहने, और विलन पहन करके आप सन के डायरेक्ट उसमें नहीं जाए, ठीक है, सनलाइट के डायरेक्ट एक्सपोजर में नहीं आए, धूप में वो न जाए, मतलब जी धूप में ना जाए, ऊनी कपड़े पहन के धूप में ज्यादा देर तक ना बैठे, जा सकते हैं ज्यादा देर तक के धूप का